हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई ये मेरी फर्स्ट राइड है आफ्टर डिलीवरी के बाद, ये मेरी फर्स्ट राइड देख पा रहे हैं। मैं इसे ऑफिस लेके जा रहा हूँ, सो देखते हैं भाई कैसी क्या पावर है। पावर मतलब देखनी नहीं है भाई, पावर बहुत अच्छी महसूस हो रही है इसमें से, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है भाई, बड़ी बड़ी सी और काफ़ी पावर पावर सी मशीन फीलिंग आ रही है यार भाई। ईजी टू हैंडल है, काफ़ी प्यार से हैंडल होती है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे हैंडलिंग करने में, बहुत प्यार से हैंडल होती है। एंड नो डाउट भाई, ड्यूक 390 इज़ द बेस्ट यार। मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन कौन ड्यूक 390 पे शिफ्ट होने वाला है या शिफ्ट होना चाहता है कि हाँ भाई मुझे ड्यूक 390 चाहिए। मैं अपने MT15 ओन करता था, अगर लोग मेरे वीडियो यहाँ से देख रहे थे या पीछे की आप देख सकते हो, MT15 के बाद मैं ड्यूक 390 पे शिफ्ट हुआ हूँ भाई। अलग ही पावर, इनसेन है सब कुछ भाई, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं। छोटा सा स्पिन है ऑफिस तक जाने तक का, उसे आप इंजॉय करें और देखें भाई कैसी क्या पावर है भाई। इसका क्विक शिफ्टर क्या काम करता है यार, बहुत प्यारा क्विक शिफ्टर काम करता है भाई इसका। एज कम्पेयर इसका ऑटो फ्लिपर भी उतना बढ़िया काम करता है। देखो दोनों हाथ मेरे छोड़े हुए हैं, ये आ गया भाई 4th/5th पे, ये आ गया 4th पे भाई, कोई जर्क नहीं है, कोई जर्क नहीं है, बहुत प्यारा काम करता है भाई। जैसे जैसे इसका यूज़ टू होता जाऊँगा भाई, वैसे वैसे आपको इसके रिव्यू मिलते जाएंगे। वहाँ से ट्रैफिक से हम आ चुके हैं, ट्रैफिक से हम आ चुके हैं भाई, और हम यहाँ पे अभी चल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया पावर है, जहाँ पे कट मारनी हो हल्का सा थ्रॉटल दे दो भाई, ये भागने को रेडी रहती है, लिटरली ये भागने को रेडी रहती है भाई, बहुत प्यारा एक्सीलरेशन है इसका। ग्वालपाड़ी वाले रोड से जाते हैं तो ये रोड आपको पता है भाई स्ट्रेच के लिए बहुत बढ़िया, अगर जो दिल्ली से उन्हें पता होगा भाई ये रोड स्ट्रेच के लिए बहुत बढ़िया रोड है भाई। ये मैं इसे स्ट्रेच नहीं करना चाहता, इसे नॉर्मली लेके चल रहे हैं भाई। कि भाई बताना आपको कैसी लग रही है इसका कॉकपिट लुक वगैरह, इसमें थोड़ा सा काम भी होगा भाई लेकिन वो थोड़ा रुक के होगा। बाकी मैं यही बता रहा, अगर कोई बिगनर पहली बार कोई बाइक चला रहा है और वो सीधा 390 पे शिफ्ट करने की सोच रहा है भाई, नहीं, आप पहले कोई 200cc चलाओ, उसमें अपना हाथ एकदम अच्छे से सेट करो, फिर भाई इस पर शिफ्ट होना। डायरेक्ट आप इस पर शिफ्ट हो जाओगे भाई, ये ले जाएगी साथ में, ये लिटरली साथ में ले जाएगी भाई। कि अगर आप लोग कोई भी बाइक लेते हैं 200cc भाई, हेलमेट बहुत अच्छा रखना भाई, हेलमेट में कभी ये मत सोचना कि मैं इन्वेस्ट ना करूं। अंकल जी पूरे फॉर्म में चल रहे हैं, अगर किसी ने मेरे पुरानी वीडियोस देखी होंगी बहुत पहले की, तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे मैंने कोई राइडिंग गियर्स वगैरह कुछ नहीं पहने हुए थे, तो भाई उसमें मेरी हेलमेट ने मेरी जान बचाई थी। हाँ
हाँ हाँ हाँ भाई देख रहे हो रेड लाइट में किसी को सबसे आगे जाना हो भाई, ये है इन सिटी में भाई, सिटीज़ के अंदर इसके मुकाबला नहीं दे पाएंगे। मतलब अगर सुपर बाइक भी चल रही हो तो हाँ सिटीज़ के अंदर ये सुपर बाइक के साथ कम्पीट कर सकती है, हाईवे में एक अलग बात आ जाती है। तो भाई मैं ऑलमोस्ट अपना ऑफिस पहुंच चुका हूँ, तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। छोटा सा व्लॉग था भाई, उम्मीद आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉग था ये, मुझे पता नहीं कैसे क्या शूट हुआ है नहीं हुआ है। बाकी मैं लेता हूँ आपसे बाय, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।